हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और एमटीएस की जो एग्जामिनेशन डेट है वो क्या होने वाली है और इनके एडमिट कार्ड कब जारी हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या फिर ऑन टाइम कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी ने अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन किए थे अप्रैल में ड्यू टू कोविड-19, लेकिन 2 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था एसएससी के द्वारा जिसमें कुछ एग्ज़ाम रीशेड्यूल किए गए थे। कौन कौन से एग्ज़ाम थे जो रीशेड्यूल हुए थे? तो सीपीओ का पेपर 2 था, CHSL का Tier 1 और CGL का Tier 1, ये 3 पेपर थे जो रीशेड्यूल किए गए थे। यहाँ पर MTS के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि ये एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी। तो SSC ने MTS के बारे में इस नोटिस में कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई थी। अगर मैं बात करूँ कि MTS का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाला है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो MTS का जो एग्ज़ाम है ये आपका सितंबर में जा सकता है। अगर सितंबर में ये एग्ज़ाम नहीं होता तो दिसंबर एक ऑप्शन है, या फिर ये एग्ज़ाम आपका 2022 में जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है, चाहे वो CPO हो, CHSL हो या फिर CGL हो, MTS हो, इनके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। अगर मैं CPO की बात करती हूँ तो इसकी जो रिवाइज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल डेट है तो भाई वो 26 जुलाई है, यानी कि आज से 4 दिन बचे हैं केवल एग्जाम में। इसके लिए SSC ने ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप वेबसाइट पर जाकर अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, आपकी क्या डेट है और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सी शिफ्ट में होगा। अगर मैं CHSL की बात करती हूँ तो CHSL का एग्ज़ाम है 4 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। इसके लिए भी कई रीज़न ने अपडेट डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर के स्टूडेंट अपना स्टेटस जान सकते हैं कि उनका एग्जामिनेशन किस सिटी में है और किस सेंटर पर है, या फिर उनकी एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है। अगर मैं CGL की बात करती हूँ तो CGL का पेपर आपका 13 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी स्टेटस या फिर ई एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या फिर ऑन टाइम कराए जाएंगे। तो देखिए, CPO में तो बिल्कुल भी आप कोई डाउट मत रखिए, CPO का पेपर बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगा। जहाँ तक CHSL की बात है तो CHSL का पेपर भी ये आपका पोस्टपोन नहीं होगा और CGL का पेपर भी आपका पोस्टपोन नहीं होगा। ये तीनों पेपर आपके ऑन टाइम कराए जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कुछ जगह पर कोरोना के जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो ये पेपर हैं आपके तीनों ही, उनमें खास प्रोटोकॉल अपनाई जाएगी, यानी कि जो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से पालन उनका किया जाए। तो आप सभी लोग विदाउट एनी टेंशन इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अपना स्टडी पर फोकस कीजिए। इन सभी एग्ज़ाम में वैक्सीनेशन ज़रूरी है या फिर कोरोना की क्या अपडेट्स रहेंगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।